आंदोलित लोगों ने कहा कि आम लोगों की चुप्पी का बॉलीवुड ने मजाक बना रखा है। कभी पीके में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है तो कभी पद्मावती जैसी फिल्मों के जरिए इतिहास से छेड़छाड़ की जाती है। बद्दी में किए गए इस आंदोलन में कई युवाओं ने भाग लिया। वहीं आंदोलनकारियों द्वारा संजय लीला भंसाली के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलनकारियों द्वारा बद्दी के सनसिटी सिनेमा पहुंचकर भी जमकर नारेबाजी की गई। हमारे इतिहास को बदनाम कर रहे हैं, छिन भिन कर रहे हैं, उसको हमने एक शांति प्रिय तरीके से हमने ये आंदोलन को चलाना है और केंद्र सरकार से हम अपील करेंगे विज्ञापन के माध्यम से कि इस फिल्म को जब तक रिलीज ना होने दिए जाए, जब तक ये आपत्तिजनक दृश्य है उसको काटा ना जाए। वहीं राजपूत सभा के वक्ताओं ने कहा कि फिल्मकार पैसे कमाने के लिए भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती की महान शख्सियत का फिल्म में सरेआम मजाक बनाया गया है और हिंदू समाज इस अपमान को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। विधर्मी की दासी बनकर जीने से आसान था आग में जल जाना, विधर्मी की दासी बनकर जीने से आसान था आग में जल जाना, हर दिन हजारों मौत मरने से बेहतर था एक बार में मर जाना। रानी पद्मावती वो वती थी, वो रानी थी, वो महारानी थी जो कभी महलों से बाहर नहीं आई और इस संजय भंसाली ने उसको लाचार बना के स्टेजों में ले जाना शुरू कर दिया।